गाइस ये देखिए स्टार्ट हो गई है वही लेजेंडरी वॉइस। हेलो गाइस ये देखिए मेरे सामने कि बहुत ही तगड़ा बवाल खड़ा हुआ है। आप देखोगे ये यामा RX 100 है, ठीक है। आप इसको देखो कितना धासू मॉडिफाई कर रखा है यहाँ पे, और ये बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रही कि ये यामा RX 100 है। वैसे वो एक बहुत ही तगड़ी लेजेंडरी बाइक थी, ऑलरेडी थी, लेकिन इन लोगों ने इसमें मॉडिफाई करके इसको और भी भयंकर बना दिया है। ये भैया लोग हैं, इनकी बाइक है, तो इन लोगों ने इसमें मॉडिफिकेशन का काम कराया हुआ है। तो इसमें अगर जो मैं आपको बताऊं तो इसमें टोटल ओवरऑल खर्चा, इसमें जैसा कि जब मैंने इनसे बात की तो पता चला कि ओवरऑल खर्चा इस पर 30 से 40 हज़ार रुपये, 30 से 40 हज़ार इससे ज़्यादा ही आया हुआ ना, 60-70 हज़ार रुपये का खर्चा आया हुआ है। तो गाइस आप देखो कितनी बेहतरीन लग रही है यार, मतलब कोई भी सुपर बाइक इसके सामने फेल है। कितना नीट एंड क्लीन, कितना डिसेंट लुक आ रहा है। ये इसकी टंकी देख रहे हो, टंकी इन्होंने चौड़ी करवाई है। अगर जो मैं आपको पास से दिखाऊं तो जैसा कि जो एक यामा की टंकी होती है वो थोड़ी सी पतली होती है, तो इन्होंने इस टंकी को पहले मोटा करवाया। और जो प्लस ये फ्यूल डालने वाला आप देख रहे हो, ये पेट्रोल टंकी का देखो, ये जो साइड में लुक है, और प्लस इसमें जो पेंट वर्क हुआ हुआ है वो बहुत ही बढ़िया हुआ है। मतलब बहुत ज़्यादा चमक धमक नहीं, और एकदम नीट एंड क्लीन, मैट ब्लैक में है। और अगर सामने से आपको दिखाऊं, ये देखिए सामने से, देखिए इन्होंने मर्करी बल्ब जो लगवाए हुए हैं, ये सामने से आप बल्ब देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। और प्लस एक स्पीडोमीटर लगाया है, जो कि इसके ऊपर जो बड़ा सा रहता है वो हटा के क्यों सिंपल सा एक सिंगल स्पीडोमीटर लगाया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है वो भी। प्लस इन्होंने डिस्क ब्रेक लगवाई है, आप देख पा रहे होंगे डिस्क ब्रेक है। नंबर देखिए कितना अच्छे से नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा लगा हुआ है। प्लस इन्होंने इंडिकेटर पे भी बारीकी से काम किया है, ये देखिए एकदम बढ़िया। और सबसे तगड़ी बात जो इसको बहुत ही अच्छा लुक दे रही है, वो जो आप जानते हो कि RX 100 में पीछे सीट थोड़ी सी मोटी होती है, वो हटा के इन्होंने पतली सीट लगवा दी है। प्लस पीछे का वो उन्होंने पूरा कटवा दिया, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। वो जो मोटा सा हिस्सा होता है ना गद्दी जैसा, एक मोटी सीट, वो रिप्लेस करवा के पतली सीट के साथ, और पीछे ये मडगार्ड, ये बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है गाइस। आप देखो खुद ही देखो, मतलब मैं तो कहूँगा कि यार न्यू बाइक से भी ज़्यादा अच्छी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा। और मोटे टायर्स हैं, जो नॉर्मली थोड़े पतले टायर्स आते हैं, तो मोटे टायर्स करा दिए। आगे का भी काफ़ी चौड़ा टायर लग रहा है, बफिंग कराई हुई है इंजन पे, इंजन शाइन मार रहा है। और अगर जो आपको पास से दिखाऊं तो इसमें देखिए कहीं पे भी मैं ये नहीं कहूँगा गंदा हो रखा है या फिर ऑयल लीकेज है, मतलब काम बहुत ही शानदार तरीके से किया गया है गाइस। मैं एक्चुअल में जा रहा था तो मैं रुक ही गया, मैंने सोचा आप लोग को ज़रूर दिखा दूँ। ये देखिए पीछे से लुक देख लीजिए, इसकी टेल लाइट, वाओ गाइस ऑसम। आप देखो यार बाइक के मज़े लो, ये देखिए यामा RX 100, यहाँ पे RX 135 इन्होंने प्रिंट करवाए हुए हैं। वाओ वाओ वाओ। तो गाइस कैसी लगी वीडियो? आप भी पुरानी बाइक लो, ठीक है, अगर जो आपके पुरानी बाइक है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसे मॉडिफाई कराओ, उस पर एक्सपेरिमेंट्स करो, जो भी आप सोचते हो, जो जो कराना चाहते हो, सीट रिप्लेसमेंट, हेडलाइट रिप्लेसमेंट, टेल लाइट, सब कुछ कराओ। और एक ऐसा लेजेंडरी लुक, इसके हैंडल भी चेंज कराया यार, बहुत प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। तो गाइस इस वीडियो को करता हूँ मैं यही पेंट, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर से जरूर बताओ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो, और दोस्तों को भी दिखा दो कि यार ये, और ये देखो भैया स्टार्ट करके दिखाएं, भैया एक बार स्टार्ट करके दिखा दीजिए, इसका साउंड सुनवा दीजिए गाइस। ये देखिए स्टार्ट हो गई है वही लेजेंडरी वॉइस, ये देखो क्या बढ़िया थी ये गई। तो चलिए दोस्तों करता हूँ इस वीडियो को यहीं पे एंड, लव यू, टेक केयर, मास्क लगा रखो, सॉरी, बाय बाय।